ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने पाकिस्तान के खिलाफ सिडनी टेस्ट में अर्धशतक लगाया है। ये टेस्ट क्रिकेट का दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है। वार्नर ने केवल 23 गेंदों में 50 जड़ दी। वे 27 गेंद में 55 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके और 3 छक्के लगाए। उनका अर्धशतक ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे तेज टेस्ट 50 है। वार्नर ने सिडनी टेस्ट की पहली पारी में शतक लगाया था, वहीं दूसरे टेस्ट में भी उनके बल्ले से सैकड़ा निकला था। ऑस्ट्रेलिया ने वार्नर की पारी के बूते सिडनी टेस्ट में मजबूत पकड़ बना ली है। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में डेविड वॉन, स्टीव स्मिथ और उस्मान ख्वाजा की पारियों के बूते 2 विकेट पर 241 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। उसे पहली पारी में 223 रन की बढ़त मिली थी। ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिस्बेन में खेला गया पहला और मेलबर्न में खेला गया दूसरा टेस्ट मैच जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त ले रखी है। टेस्ट मैचों में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड पाकिस्तान के कप्तान मिसबाह उल हक के नाम है। मिसबाह ने साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही सबसे तेज 50 लगाई थी। उन्होंने 21 गेंद में अर्धशतक लगाया था। इसके बाद उन्होंने इसी पारी में सबसे तेज शतक भी उड़ा दिया था। मिसबाह ने केवल 40 गेंद में शतक लगा दिया था। सबसे तेज अर्धशतक लगाने वालों में तीसरे नंबर पर जेक्स कालिस हैं। हालांकि सबसे कम समय में टेस्ट 50 लगाने का रिकॉर्ड भी मिसबाह उल हक के ही नाम है। मिसबाह ने केवल 24 मिनट में 50 लगा दिया था। NMF न्यूज की रिपोर्ट।